सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो के ऑडियो का नॉइज़ जो होता है उसको रिमूव आप कैसे कर सकते हो, अभी यूजिंग इनसॉर्ट ऐप। इनसॉर्ट एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, आप कोई वेबसाइट एडोबी के अंदर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप अपने वीडियो से नॉइज रिडक्शन हटा सकते हैं, लेकिन भाई उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। पहले आपको ऑडियो वीडियो से रिमूव करना होता है, फिर ऑडियो निकलने के बाद उसको आप एडोबी में ले जाएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से वो हटेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। फिर वापस आप उसी वीडियो को एकदम एक्यूरेट वहाँ पे कैसे ऐड करते हो, उसका वो एडिटिंग में अगर सही से ऐड नहीं होगा तो आपका ऑडियो कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, वीडियो आगे पीछे हो जाएगा। तो एंड्रॉयड वाले भाई क्या करें इसमें, तो जितने लोग इनसॉर्ट एप्लीकेशन को चलाते हैं इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने ऑडियो का जो होता है नॉइज़ कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट वीडियो से, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन में सेपरेट नहीं करना है, मतलब स्प्लिट नहीं करना है, ऑडियो को अलग वीडियो को अलग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इसके लिए आपको इनसॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको एक वीडियो ऐड कर ले। देखो गाइस, तो ये आपका जैसे आपका कोई भी वीडियो हो गया, ठीक है, और उसको ऐड कर लेना है। तो सिंपल सा मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। उसका देखो, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा है। सबसे पहले आपको ये वाला ऑडियो सुना देता हूँ, ठीक है। उसका जिसको हम लोग इसमें से ऑडियो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको रिमूव कर देंगे। तो पहले आप इसका ऑडियो सुन लो। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके बारे में आपने ना ही सुना होगा ना ही देखा होगा। सो गाइस, आपको यहाँ पे ऑडियो ने सुन लिया होगा। अब इसमें से जो आपका वीडियो, देखो यार, वीडियो भी उतना है और ऑडियो भी उतना है, ठीक है। इनसॉर्ट का लेटेस्ट वर्जन में ये है कि अगर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, मान लो इस पार्ट को डिलीट कर दिया, तो जो हमारा ऑडियो है ना वहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो अभी तो हम फिलहाल डिनॉइज करके बताते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको इसमें से वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ देखो, एक ऑप्शन हुआ डीनॉइज़, ठीक है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है आपके यहाँ पे डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो सिंपल से क्या करना, आपको इस वीडियो को खोलना है और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट जैसे आप करोगे वीडियो को, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, वरना आप डायरेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करके भी डीनॉइज़ कर सकते हो। तो जैसे इसको क्लिक करना है आपको, ठीक है, उसका सिलेक्ट रहेगा, देखो बॉर्डर आ जा रहा है, ये वाइट बॉर्डर, जैसे वो बॉर्डर आ गया तो डीनॉइज़ का ऑप्शन आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ देखो एक्सट्रैक्ट 01 करके आ गया और ये ऑडियो डीनॉइज़ हो गया है। चलो वापस से सुन लेते हैं एक बार इसको। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके बारे में आपने ना ही सुना होगा ना ही देखा होगा। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज था पंखे का, जो मेरे फ़ैन का अभी फ़िलहाल में आवाज़ आ रहा होगा, मैं डीनॉइज़ कर दूँगा वैसे तो। तो यहाँ पे जो वीडियो में आपने यहाँ पे पंखे का आवाज़ सुना है उसको यहाँ पे इसने डीनॉइज़ करने के बाद यहाँ पे हटा देता है, ठीक है। अब चाहो तो इसको वॉल्यूम भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो अगर कम है तो, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे वॉइस इफेक्ट है, इसको आप वॉइस इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपने ऑडियो में देने में वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है तो आप यह कर सकते हो, या फिर अगर आपको वीडियो ऑडियो को स्प्लिट करना है तो यहाँ से आप कट कर दो और वीडियो को भी अगर आप समझ लो, अगर आपके पास ऑडियो है, ठीक है, और समझ लो ये ऑडियो है, ठीक है, और हमको यहाँ तक ऑडियो हमने यहाँ का कट कर दिया, जैसे इस वीडियो को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ओके, और यहाँ पे भी कट कर देते हैं, हमको इसको इधर ले जाना है, इस वाले वीडियो को इधर ले गए तो ऑडियो भी साथ में उसके मूव हो जाएगा जैसे आप करोगे, ठीक है। इसमें आप ग्रीन स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसकी फुल एडिटिंग वीडियो चाहिए होगा तो आप कॉमेंट कर देना, मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा इनसॉर्ट ऐप से प्रो एडिटर कैसे आप बन सकते हो। और हाँ गाइस, क्रैक वर्जन यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें न्यू यहाँ पे आया है ये इफ़ेक्ट वाला, तो यहाँ पे आप कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट हैं और भी फ्री में हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।